अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, योर स्किल में आपको खुश आमदीद। आज एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। पहले दो तीन मरतबा मैंने ये वीडियो जो है शूट की है तो बड़ी लेंथी हो जाती थी, अपलोड मैंने नहीं की। फिर मैंने उसका हल निकाला कि इसकी कैटेगरीज बना लूँ ताकि छोटी से छोटी वीडियो बन सके। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। तो ये वीडियो है OLX के बारे में। OLX के ऊपर आप कारोबार कैसे कर सकते हैं? खरीदो फरोख तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर कारोबार भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, जो मेरे पास मौजूद है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस कारोबार को थोड़े पैसों से बगैर किसी दुकान के भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप दुकान ही लें, तो ये इसमें एक बेनिफिट है। कोई भी जगह आपके पास है घर में या कोई एक्स्ट्रा आपके पास जगह पड़ी है तो वहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सामान रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए होगी आपको। तो इसको मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसकी कैटेगरीज में पहले आपको गिनवा दूँ, एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिट यानी तजर्बा और मुनाफा। दूसरी है टू बाय, ख़रीदारी आपने कैसे करनी है। नंबर तीन सेल कैसे करनी है, प्लेस जगह का इंतखाब, कैटेगरीज कौन सी चूज़ करनी है, हाउ टू गेट एक्सपीरियंस, तजर्बा आपने कैसे हासिल करना है, ऑलराउंडर आप कैसे बन सकते हैं, और गुड बिजनेस ये अच्छा बिजनेस क्यों है। अच्छा, दूसरी है टफ़ कैटेगरीज यानी कि इसमें टफ़ कैटेगरीज कौन सी हैं। दसवें नंबर पर है इंस्पिरेशन। तो ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो है एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिट। तो इसके अंदर आपको, अगर आप OLX पे कारोबार करना चाहते हैं, ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मस्ट चाहिए, तजर्बा आपको चाहिए। बेशक आप वो किसी से सीखें या आगे मैं आपको बताऊंगा तो आप OLX के ऊपर भी सीख सकते हैं। तो प्रॉफिट के हवाले से मैं बताऊंगा आपको, प्रॉफिट जो है, जो नई चीज़ों के अंदर जो प्रॉफिट है वो तो सबको पता होता है। एक दुकान से दो से तीन से आप पता करेंगे उसकी कीमत का पता चल जाता है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके प्रॉफिट का कुछ अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है पुरानी चीज़ों के अंदर। जितने भी पुरानी चीज़ों के काम करने वाले हैं आपने उन्हें बहुत तरक्की करते हुए देखा होगा या पैसे वाले होंगे। तो इसके अंदर एक वो कहते हैं ना ओला, ओला होता है इसके अंदर, इसके प्रॉफिट के अंदर। तो कई दफ़ा 100 वाली चीज़ 1000 की भी बिक जाती है, तो चीज़ें मिल जाती हैं अक्सर। वो आगे सारी मैं आपको डिटेल बता, प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो आता है वो है टू बाय यानी कि ख़रीदारी। ख़रीदारी जो है वो OLX से ही आपने चीज़ें खरीदनी है, OLX से चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा आप दूसरे ज़राए भी इख्तियार कर सकते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर ऐड वगैरह लगा लें या और किसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट आप कर लें। तो उसके अलावा जो पुरानी चीज़ें आती हैं कंटेनरों के अंदर, आजकल जो सामान आ रहा है वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मुख्तलिफ दुकानों पे भी आप राउंड लगाएंगे तो वहाँ से भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो जब आप अंदर इंटर होते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। तो ये सिर्फ मैं आपको पॉइंटों में समझा रहा हूँ। वैसे OLX से काफ़ी सामान मिल जाता है, और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काफ़ी सामान उसके पूरे पाकिस्तान से उसके ऊपर सामान जो है सेल हो रहा होता है, पर आपने अपनी सिटी में ही उसको सर्च करना है। तीसरे नंबर पर आता है सेल। तो सेल के लिए OLX के ऊपर ही सेल हो जाती हैं चीज़ें, सस्ती खरीद के। कई लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो वहीं से चीज़ें खरीद के वहीं पे वो सेल कर देते हैं। इसकी भी एक मिसाल मैं आगे आपको दूंगा। तो चीज़ें अगर आपके पास और कोई ज़राए है सेल करने का तो वहाँ भी आप मकसद सेल कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर आ जाता है प्लेस। तो अभी सेल का जैसे मैंने बताया, प्लेस अगर आपके पास है, आपके पास कोई जगह मौजूद है, कोई शॉप है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे OLX वाले कस्टमर भी आएंगे और दूसरे भी कस्टमर भी आपके वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे चीज़ें आपकी ज़्यादा सेल हो सकती हैं। तो OLX पे भी सेल करें और शॉप पे भी सेल करें। अदरवाइज़ जो है, अगर आपकी कहीं साइड पे या घर में कहीं रखा हुआ है, फिर आपको OLX से ही कस्टमर लाना पड़ेगा। तो पांचवें नंबर पे आ जाती हैं इसकी कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ आपने कौन सी चूज़ करनी है? कैटेगरीज़ आपने वो चूज़ करनी है जिनकी आप देखें मार्केट में डिमांड है, होम एम्प्लाइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें आप जो है वो सिलेक्ट करें, जो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं या ज़्यादा मकसद है जिनकी
सेल परचेज ज़्यादा होती है उन कैटेगरीज़ को आप चूज़ करें। जो इसकी मेन कैटेगरीज हैं वो 14 हैं, सब कैटेगरीज इसकी 100 से भी ज़्यादा है, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा टफ कैटेगरीज इसको कौन सी हैं। अच्छा जी, नंबर 6 पे है हाउ टू गेट एक्सपीरियंस, तजर्बा कैसे हासिल करें। तो इसके दो तरीक़ेकार हैं, एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, कोई ऑक्शनर वाले हैं, या कोई आप फ्रिज एसी ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ रबते में रहें। कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उनको दिखा दें कि आप ये चीज़ कितने की ख़रीद लेंगे या हम ये चीज़ कितने की ख़रीद लें, तो उनके साथ आप शेयर करते रहेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा हो जाएगा कि ये चीज़ इतने की है, इसकी वर्थ इतनी है, तो वो आपको थोड़ा सा लिंक बनाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका जो है वो है कि OLX के ऊपर कोई भी ऐड जब पोस्ट होता है तो आप जब उसको सेव कर लेते हैं, जब वो चीज़ सेल हो जाती है तो नोटिफिकेशन आपके पास भी आ जाता है। तो OLX के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है वॉइस मैसेज का भी, चैट भी, और SMS भी, कॉल भी आप कर सकते हैं। तो आप जो है उनसे रबते में रहें, चैट करते रहें, वॉइस मैसेज भेजें, डील करते रहें उनके साथ, तो ऐसा 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 आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है, कौन सी चीज़ कितने की सेल हो रही है, कितने की मैं ख़रीदता, कितने की मैं सेल कर लेता। टाइम आपको इसके ऊपर गुजारना पड़ेगा, जो टाइम हम सोशल मीडिया के ऊपर गुजारते हैं, अगर उसमें से थोड़ा बहुत टाइम हम इसके ऊपर गुजार लें तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख भी जाएंगे, अगर हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आमदन भी हम इससे हासिल कर लेंगे। एक घंटा, दो घंटा या सारा दिन आपके पास टाइम है तो आप इसके ऊपर लगा के इसको जो है सीख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है सारा कुछ, ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। जब आप सीख जाएंगे इसको तो फिर आप कहेंगे कि इस जैसा काम ही कोई नहीं है। तो आप अगर कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ भी डिग्री लेने के लिए आपको कोई टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे 2 साल 4 साल आपके लगते हैं डिग्री लेने के लिए, तो टाइम खर्च करना पड़ता है इसके ऊपर। जब तक आप टाइम नहीं लगाएंगे, इसको नहीं सीखेंगे, उस वक़्त तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसको सीखना ज़रूरी है, पहले कुछ ना कुछ इसको सीख लें आप। तो नंबर 7 में है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर क्या चीज़ है? ऑलराउंडर ये है कि आप सारी कैटेगरीज के अंदर काम करना चाहते हैं। आप मकसद जो चीज़ आपको नज़र आता है कि ये सस्ती है, ये सस्ती लगी हुई है, अगर मैं इसको ख़रीद लूँ तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, बेशक वो कोई बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस जो है बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस वाला, जैसे ऑक्शनर वाले होते हैं वो हर चीज़ ख़रीद लेते हैं, या आपको खुद जो है एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा कुछ टाइम लगा के। तो तजर्बाकार आपके साथ बंदा होना ज़रूरी है, फिर आप हर चीज़ के अंदर हाथ डाल सकते हैं, तो अदरवाइज़ नुकसान का भी अंदेशा है। तो इसके लिए कोई तजर्बाकार लोग अगर आपके साथ हों तो बेहतर है। तो या मुख्तलिफ फील्ड के आप लोग चूज़ कर लें, उनको कमीशन पे रख लें, आप मुझे चीज़ ढूंढ के दें, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। कोई दुकानदार हो सकते हैं, दुकानदारों से आप रबते में रहें, उनके पास अक्सर चीज़ें जो रिपेयरिंग वाले होते हैं चीज़ें बिकने के लिए आ जाती हैं, तो वो आपके साथ ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंटर होंगे इंशाल्लाह जो है ना आप समझते जाएँगे इसको। गुड बिज़नेस, गुड बिज़नेस ये क्यों? गुड बिज़नेस इसलिए है कि एक तो ये कम पैसों से शुरू हो जाता है, जितने आपकी 10, 20, 30, 50 हज़ार आपके पास हैं, या आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, घर, बंगले, गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप बड़े पैसों से भी कर सकते हैं, थोड़े पैसों से भी कर सकते हैं, और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इसलिए ये एक अच्छा बिज़नेस है मेरी नज़र में। तो टफ़ कैटेगरीज इसमें यही हैं, गाड़ियाँ, मोबाइल और प्रॉपर्टी, इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इनके अंदर काम करते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीज़ों का फिर तो इन कैटेगरीज़ को चूज़ करें, अदरवाइज़ इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है और जो है कंपटीशन भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है जी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो है ईबे की एक कुछ सालों पहले एक वायरल हुई थी, तो ईबे की कोई खातून थी, उन्होंने कोई घर की कोई चीज़ें सेल की, तो उसके बाद उनके जहन में ख्याल आया क्यों ना मैं पुरानी चीज़ों की सेल परचेज शुरू कर दूं। तो एक दिन उनके पास ऐसा था कि उनके पास 20 एम्प्लॉय थे जो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर काम करते थे सेल परचेज का, इसके अलावा उनका एक डिस्प्ले था, तो ईबे ने उनको इनवाइट किया अपनी सालाना सेरेमनी के ऊपर, तो उन्होंने अपनी सारी कहानी शेयर की। कहने का मतलब है कि वो बहुत आगे निकल गई थी, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली थी। तो ये तो थी अमेरिका की मिसाल, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं लोकल छोटी छोटी, तो टाइम नहीं है इतना वीडियो जो है उसको शार्ट बनानी है।
इसमें आप तरक्की कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। मैं अभी इस पर आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो जो है शॉर्ट ही बनानी है, तो कोशिश की है कि मैं जो है मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूं। तो बाकी फिर भी किसी भाई का सवाल हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, मुझसे पूछ सकता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।